वेटनरी डॉक्टर्स के बाद अब राज्य के पशुधन सहायक संवर्क कार्मिकों ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के हजारों पशुधन कार्मिक एक बार फिर सीरिंज डाउन करने यानी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। पशुधन सहायकों ने नए साल के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी से क्रमिक अनशन के साथ ही सीरिंज डाउन करने का निर्णय लिया है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के पशुधन को खुरपका और मुंहपका रोग से बचाने के लिए चल रहा FMD अभियान ठप पड़ जाएगा। ये वो बीमारी है जिससे पशु में दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। वही प्रदेश में अभी लंपी समाप्त नहीं हुई है। तकरीबन 15 लाख से अधिक पशुधन लंपी से प्रभावित है। गौरतलब है कि विभाग के वेटनरी डॉक्टर्स पहले से ही अनशन पर चल रहे हैं। वहीं पशुपालक विभाग की ओर से पशुपालकों के हित में चलाई जाने वाले 90% योजना का संचालन पशुधन सहायक संवर्ग करता है। पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बनवारी लाल बुनकर ने अपनी मांगों को लेकर विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल और निर्देशक भवानी सिंह राठौर को ज्ञापन दिया है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगों पर आदेश जारी नहीं किए गए तो 3 जनवरी से निदेशालय परिसर में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर उतरेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता राखी मासा जुड़ गई है। वेटरनरी डॉक्टर्स अब हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं, क्या है पूरी अपडेट? हम वेटरनरी डॉक्टर्स की हड़ताल पहले से ही चल रही है, वो क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, एक हफ्ते से ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन अब उनके साथ साथ पशुपालन विभाग के जो कार्मिक है, जो पशुधन सहायक है, वो भी क्रमिक अनशन पर जाने का और हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। और अगले साल यानी नए साल की 3 तारीख जनवरी से वो अपनी सीरीज डाउन हड़ताल शुरू कर देंगे, यानी कि वो कोई भी काम जो है विभाग का वो नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पशुधन सहाय संवर्ग जो है वो पशुपालन विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और जो विभाग की तरफ से अभियान चलाए जाते हैं पशुधन को कई तरह के जो रोगों से बचाने के लिए, उस काम में ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यही ये जो काम है गाँव के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें जाकर ये लोग काम करते हैं। तो अगर पशुधन सहायक संवर्ग भी, क्योंकि डॉक्टर्स पहले से हड़ताल पर चल रहे हैं, उनकी कमी अनशन उनका चल रहा है, और अगर पशुधन संवर्ग भी अनशन पर चला जाता है या सीरिंग डाउन करने का निर्णय ले, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो करने जा रहे हैं, अगर वो निर्णय वो शुरू हो जाता है, अगर उसको अमली जामा वो पहना देते हैं, तो पशुपालकों को काफी सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक FMD अभियान जो विभाग की तरफ से चल रहा है, जो पशुधन को खुरपका और मुंहपका रोग से बचाने के लिए चलाया जाता है, वो पूरी तरह से खप को पड़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो क्योंकि बीमारी से पशु में जो दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और पहले से वैसे भी हमारे अभी प्रदेश में लंपी भी चल रहा है और वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लंपी से जो पशुधन को बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो ये सभी काम जो है कहीं ना कहीं इनके क्रमिक अनशन से प्रभावित होंगे। जी, ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हड़ताल की जा रही है? देखिए, इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो अच्छा है पदनाम परिवर्तन का है। पदनाम परिवर्तन की नाम पशुधन सहायक संवर्ग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। सीएम को और पशुपालन मंत्री विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं किया गया है। बताया यही जा रहा है कि जो इनकी फाइल है वो पशुपालन मंत्री के पास है और वहां से जो है निर्णय होना है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई डिसीजन नहीं हो पाया, कोई आदेश जारी नहीं हो पाए। इसके अलावा वेतन विसंगति की इनकी मांगे, उस वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं, नए पदों का सृजन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विभाग में बड़ी बड़ी संख्या में पद खाली खाली पड़े हुए। हालांकि पशुपालन विभाग ने लंपी के समय पर UTV के जरिए भर्ती की थी, लेकिन अभी भी जो भर्ती है वो बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा जलधारी भर्ती की मांग करें, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है विभाग में नहीं है, ड्यूटी अलाउंस इन्हें नहीं दिया जाता। पशु चिकित्सा सहायक का जो पद है उनको हार्ड ड्यूटी का जो अलाउंस है वो नहीं दिया जाता, उसकी मांग कर रहे हैं। काउंसिल के गठन की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वेटनरी डॉक्टर्स के लिए काउंसिल गठित है, उसी तरह से पशुधन सहायक संवर्ग के लिए भी नई अलग से काउंसिल का गठन किया जाए।
और एक नई स्थायी भर्ती की मांग भी पशुधन सहायक संवर्ग कर रहा है। इस तरह की कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर के पशुधन सहायकों ने क्रमिक अनशन की घोषणा की और तीन दौड़ हड़ताल पर जा सकते हैं। जी राखी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।